नमस्कार, प्रेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां एक 65 वर्षीय किसान की हत्या का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कांटी में हुई इस हत्या की वजह एक मामूली विवाद बताया जा रहा है। कांटी में रहने वाले 30 वर्षीय नौजवान, जो कि गांजे और शराब का आदी था, शंकर रजक इसका नाम है, इसने गांव के ही एक 65 वर्षीय किसान सियाराम रजक को मौत के घाट उतार दिया। बीती रात गांव में दोनों परिवारों के बीच मामूली झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद आक्रोशित शंकर रजक मौके से चला गया, लेकिन रात 3 बजे जब सियाराम रजक अपने खेत में सिंचाई कर रहा था, तब शंकर रजक यहां पहुंचा और उसने पहले डंडों से किसान पर हमला किया और उसके बाद उसे गोली मार दी। इस मामले की सूचना जब किसान के बेटे को मिली तो उसने आसपास के लोगों को एकत्रित किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब पहुंची तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने बताया कि इस मामले की पड़ताल की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें भी रवाना कर दी गई है। विवाद इनकी रात आओ तो सुगारी गलोच करत रही हुए भगा दोगे, फिर है सो बोलो बोलो तुम सवेरे देख लीजिए, बस इतना कह के उन्हें कर दो, दिखा दो। कौन था? अब शंकर नाम बता रहे कि शंकर। किस बात को लेकर विवाद हो गया था? अब विवाद साहब पता नहीं, हम आज जान में तो पहले मानो ऐसे कात रात के मुँह मार्डर करने अब, लेकिन अब जो पता ना तो क्योंकि ससुर हमारी चाचा जी को मार्डर करने। कैसे मौत? कब? कितनी टाइम लगा? अब हम घटना हम नहीं बस साहब बता, हम दूर हते थे। 3 बजे बता रहे। गोली मारी है? मारपीट? गोली इतने बस है, कनपट्टी से निशान है बिल्कुल। कांटी गांव के कालीचरण रजक ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट की है कि उसके पिताजी सियाराम रजक को गांव के ही शंकर रजक ने रात को गोली मारकर हत्या कर दी है। इनके बीच में क्या विवाद हुआ, किस कारण से हुई, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जो कि आरोपी गोली मारने के बाद भाग गया, ऐसा पता चला है कि वो गांजा पीने का आदी था। उसके कहाँ गोली लगी हुई है? उसके हाथ से लग के हड्डी को तोड़ते हुए निकली है और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजा है। जैसा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा तो मृत्यु का कारण पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर हमारी नज़र प्रदेश की हर खबर पर है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। हम अब ऐप पर भी उपलब्ध हैं जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।